तो एक कमरा है हमारा, तो वहां पे मगरिब के बाद जैसा कोई अगर अकेले में हो गया ना तो उसको भगाता है। कौन सा वाला कमरा? वो लैत वाला एक कमरा है। उसमें तो किसी को जाने नहीं देंगे कि आप उधर जो है ना रात को सो नहीं सकते। उए उए। क्यों सोओगे ना ऐसे लगेगा, ये ना ऐसे होगा, नींद आने लगेगी ना तो बिस्तर ऐसे लगता है किसी ने इसको लात मारी बिस्तर को, जब नींद बंदे को वहां से ऐसा ऐसा आने लगती है। नहीं यार दिखाएं। इस कमरे में हमारा सोता कोई नहीं, कभी मजबूरी में मेहमान वगैरह आ जाते हैं ना तो थोड़ी सर्दी ज्यादा हो जाती है तो इधर घुस। कभी एक लड़का जो हमारे एक लैब पे काम करता है तो वो लड़का काम करते करते भाग जाता है। बोले क्या हुआ? बोले आवाजें आ रही, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही, तो निकल जाता है। सर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि काम छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो मशीनों पे लोग काम करते हैं अपने जिगरे वाले हैं। हाँ लेकिन सर वो आवाजें अजीब किस्म की आवाजें आती है ना, ऐसा है ना यार दोनों ऐसे कभी कभी ऐसे जो है ना मशीन काम कर रहे हैं तो चंपल बंदा ऐसे छोड़ देता है, ऐसे खड़ा हो जाता है हवा लगा। जी जी, तो फिर बंदा धोने हमारे चंपल का कहाँ गया? देखे तो उस तरफ गई यार सारे बंदे। अच्छा कभी कभी अभी महसूस होते ना रात को, मुझे अक्सर महसूस होता है कि हमारे डिस्पेंसर से ना कोई पानी पी रहा है। और गुड़ गुड़ की आवाज आती है। की आवाज आती है, ये तब होता है जब आप पानी ले रहे होते हैं। और मैं जो है ना अगर कोई कपड़ा वगैरह उड़ा होता है ना मुंह पे, मैं उतारता नहीं हूँ। वॉशरूम में मैंने देखा इस टाइम कौन आ रहा है, इधर होता ही कोई नहीं। जब मैं उधर गया तो मेरे को सही की मार पड़ी, से मैं निकल गया। बहुत पहले जब नवीद भाई भी इधर नहीं थे जी, तो जाहिद शायद नाम का लड़का था, असगर भाई का भांजा, तो वो कहता है कि रात को तकरीबन 2-2.5 बजे तो वो दीवार पे कुछ चढ़ा हुआ था। जब बाहर जाके देखा तो कोई नहीं है। कौन सी दीवार पे? वो पीछे जो दीवार है वो सामने वाली। रात के 2-2.5 बजे रात के 2-2.5 बजे और बाहर बंदे बैठे हुए थे, गली में बंदे बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई भी नहीं है, ना किसी को भागते देखा ना जाते देखा। और जब ये वहां तक पहुंचा तो बंदा अपने आप गायब हो गया। वो कह रहे कि मैं थेशा उठा के, थेशा जो होता है ना वो थेशा उठा के मैं मारने के उस पे था कि चोर होगा तो मैं मारूंगा, जब वहां पहुंचा तो गायब। और बाहर लोग बैठे हुए, बाहर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने किसी को नहीं देखा? किसी ने बोला बोला नहीं यहाँ कोई नहीं भागा। हमें जब उतरेगा तो वो भागेगा। थेशा क्या होता है? थेशा, थेशा दिखा ना ये। अच्छा ये थेशा, ये देखा तो है। हाँ ये वॉशरूम है, दिखाएंगे। अच्छा हाँ, तो बंदा यहाँ ये लेबर वॉशरूम है। हाँ देखिएगा जी, जो जगह का मालिक है वो कहता है, बाकी कहते वो नहीं पता, लेकिन उसके यही अल्फाज। ये भी तो कहते हैं ना कि मेरे अब्बू को भी नुकसान पहुंचाने वाले इसी जगह पे वही मखलूक थी, और उन्होंने खुद बताया यहाँ पर है। जी जी, साथ में सारे गुल मोहम्मद नाम का, तो वो कहते हैं कि मैं रात को एसी चेक करने गया था या लाइट कोई चेक करने गया था, तो बोले मेरे को चमेट लगी और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसके बाद उसको किसी आमिल के पास ले गए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो सेट हो गया। ये यहीं पे जो मालिक है उसका भांजा है। सर जबड़ा टेढ़ा हो गया आपका? हाँ वो जबड़ा उसका बिल्कुल टेढ़ा हो गया भाई जान। और वो ऐसा बंदा है उन चीजों पे वो नहीं रखता, नहीं। यकीन नहीं रखता। वो बोले मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं था लेकिन मेरे साथ हुआ है, तो अब बोले मैं बहुत एहतियात, रात को छत पे जाता ही नहीं हूँ। अब नहीं है रात में काम ज्यादा ना करते हैं? जी अभी नहीं करते। आपके सामने ये माशाल्लाह रात में भी काम होता था, जनरेटर का भी बैकअप है, लेकिन नहीं यूज करते ना इस्तेमाल करते हैं। मैं शाम के बाद जो है ना पैकअप है बंद है। देख के भाइयों देख के बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा जो है ना वो चलो ये ले लें टॉर्च आप। इधर आए इधर आए इधर आए। बहुत सारे अभी तो जो है ना मैंने घर ही छोड़ दिए, इसमें कोई भी नहीं इनमें चल रहे। दिखाओ भाई ये सामने जो है ये नहीं जल रहा? नहीं
ये भी नहीं चल रहा। हम बार बार लगाते हैं होल्डर वोल्डर जो है ना, कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे, ये देखे तारे लटकी हुई नजर आ रही है। ये सारी तारे, ये देखो यार, ये देखो एक तार ये आ रही है, ये आ रही है, ये सामने अंदर भी है जी। हमने वो फालतू जो है ना निकाल दिए हुए हैं, वरना बहुत सारे जो है ना वो मतलब है लटके हुए थे, लेकिन चलता नहीं है कोई। अल्लाह, तो अब आपने लगाना ही छोड़ दिया यहाँ पर। यार ये तीसरी चौथा केस आ रहा है इस तरह का, कि ये समझ गए हैं कि यहाँ जो मखलूक है उसको रोशनी नहीं पसंद, और शायद यही वजह हो जो उनको पानी की आवाज भी इसी वॉशरूम से आ रही थी नवीद भाई को नहाने की, और इधर आते भी नहीं है, वो बाहर वाला यूज करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक दिन चलता है जी, तो कोई बिजली तार का कोई अर्थ का मसला तो नहीं? नहीं सर, सब कुछ करके देखे, इलेक्ट्रिशियन हमारा अपना है, बाकी सारे जो है ना इधर इसी से बाहर जो है ना वो चल रहे होते हैं, बस यही बंद हो जाता है। कितनी बार हो चुका है सर ये? कम से कम भी कोई 50 मरतबा होगा। 50 मरतबा जी, बहुत ज्यादा ही है, 50 मरतबा। बाद में आखिर तंग आ गया, देखे हमने 4-5 सालों से इसमें जो है ना लगा लगा के तंग आ गया, अभी कोई मेरे 6 महीने हुए हमने लगाना छोड़ दिए। आपके सामने है। अच्छा, जब आप आए थे जी, ये उसी दिन से मसले शुरू थे या कुछ टाइम बाद हुए थे? नहीं, कुछ टाइम बाद। ऐसे में ये इस कमरे के पीछे ना इस तरफ एक था, वो दरख्त था बहुत पुराना पीपल का, ठीक है, और एक वो उस तरफ वो जो अभी नीम नजर आ रही ना उस दीवार से उस पार, तो वहाँ पे एक बड़ी नीम थी। वो दोनों दरख्त तकरीबन आगे पीछे इन्होंने करीब करीब काटे, वो काटने के बाद जो है ना वो मसले शुरू हुए। यहाँ की जो चीजें है ना वो यहाँ आ गई पीपल का भाई। वो इस दीवार के बिल्कुल समझे के बैक साइड पे उस तरफ जब दीवार के उस तरफ था यार, तो फिर क्यों कटिया उन्होंने? एक गल है, तो की कह रहे हैं तुहानू जिहड़ा उन्होंने वग दिता, तुसी तो नहीं वड़े? नहीं, उन्होंने कटे जी। क्यों यार, वजह? वहां मसाइल हैं कुछ तरह के? पता नहीं, हमने कभी जो है ना, वैसे तो ये पूरे स्कूल में भी बोलते हैं, ये बराबर में स्कूल है ना, इसमें भी बोलते हैं, हम जो सुनते रहते हैं कभी इसमें भी मसले हैं, उस वर्ष में भी समझिए, ये जो बराबर वाले ये घर है, ये समझे पूरे टुकड़े में। बड़ी उड़ाने की आवाज सुनी भाई।